अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे कई दिनों से काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स कौन से होते हैं और नॉन प्रोग्रामेबल कौन से होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में भी आंसर्स हमने किए हैं सीनियर्स ने, मगर फिर भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स कौन से होते हैं नॉन प्रोग्रामेबल। पहली बात तो ये कि कैलकुलेटर आपको अलाउड है, जो आप FSC में कैलकुलेटर यूज़ कर रहे थे आप वही लेके जाएँ, मगर फिर भी आपको टेंशन हो रही है कि आपका कैलकुलेटर शायद वो अलाउ ना करें। तो इस पर मैं अभी ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ छोटी सी। तो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स वो होते हैं जिसमें ऑलरेडी बिल्ड इन प्रोग्राम्स होते हैं, जो कोई ग्राफ वगैरह आपको बना कर दे दें, आप इक्वेशन डालें उसका ग्राफ बना कर दे दें। उनकी स्क्रीन नॉर्मल स्क्रीन से थोड़ी सी बड़ी होती है। कैलकुलेटर्स में तो हम खुद अगर फंक्शन बनाएं और उसको एक्स के मुताबिक हम यूज़ कर सकते हैं, मगर उनमें ऑलरेडी बने हुए होते हैं। और प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर मैंने अपनी ज़िंदगी में सिवाय पिक्चर के और कहीं नहीं देखा, तो उम्मीद है कि आप में से किसी ने अभी नहीं देखा होगा। तो जो हम सिंपली यूज़ करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर जिनको कहा जाता है, वो नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं, वो अलाउड हैं। अब स्क्रीन पे मैंने 8-10 पिक्चर्स सेव की थी नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स की, तो आप उन पिक्चर्स को देख लें और उम्मीद है कि आपका कैलकुलेटर उनमें से किसी एक पिक्चर वाला होगा, क्योंकि जितनी तरह के मैंने कैलकुलेटर्स देखे थे मैंने उनकी पिक्चर्स सेव कर ली हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी को क्वेश्चन होगा कि प्रोग्रामेबल और नॉन प्रोग्रामेबल कौन से होते हैं और कौन से प्यास एंट्रेंस टेस्ट में अलाउड होते हैं कैलकुलेटर। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्यास एंट्रेंस टेस्ट।